बहुत अच्छा लगा और मुझे डेफिनेटली मैं करण जी और उनकी जो मदर हैं स्पेशली उनको ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये इतने नेक काम करते रहते हैं और उसके साथ साथ ये जो इफ्तार में हमें बुलाया और हमें इसका हिस्सा बनाया उसके लिए भी बहुत शुक्रिया था। क्या इससे पहले भी कभी आपने इफ्तार ज्वाइन किया था? जी हम कर चुके हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज मेरा गला ख़राब है, तो आप प्लीज़ सारे क्वेश्चन से बुलवाइए, मज़ा आएगा। आवाज़ की निकल रही है। बहुत बहुत मज़ा आया ये शो करके। डिफ़िकल्ट था डेफिनेटली, क्योंकि डांस करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत माला की बहुत तकलीफ़ें थी और बहुत प्रॉब्लम्स भी आए, बट सारी चीज़ों को कैसे उसका सफ़र बीत गया पता नहीं चला। एंड फाइनली हम लोग एक फाइनल एपिसोड जो आने वाला है जिसमें रिजल्ट है वहाँ तक है और आप सब वोट करना। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न एंड अच्छा लगा आपने ये सोचा। आप शो फॉलो करते हैं तो हमें भी जान के अच्छा लगा एंड स्पेशली उससे भी बेहतर हाँ हमें ये शो बहुत अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी है और बाकी दूसरे कपल्स भी थे तो सबकी लाइफ इतनी स्मूथ सॉफ्ट और ऐसी एक समान तो होती नहीं है, उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखी, एक साथ सीखी और हमेशा जब भी हम लड़ते भी हैं आज भी अगर छोटी सी आर्ग्यूमेंट भी हो जाए तो हम उन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना और चीज़ों को फिर से वापस कैसे हंसा खेलना बनाना वो इस चीज़ को बहुत आसानी से गुड थिंग इसके इस शो से बहुत कुछ रिश्तों के बारे में सीखने को मिला, ज़िंदगी के बारे में सीखने को मिला और वो चीज़ें हम लोगों को हमारे रिलेशनशिप में भी हेल्प करेंगे। सो यस, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। तो हमेशा आप लोगों को हम हम साथ साथ ही हैं बट कई बार उनकी शूट होती है, ट्रैवलिंग हमारा वर्क बहुत अलग होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम अकेले आए तो कुछ हो, बट डेफिनेटली हम साथ साथ पहले भी थे और आज भी है। थैंक यू। बहुत सारे दोस्त के यहाँ से इनविटेशन आया है ईद पर, बजरंगी भाईजान रिलीज हो रही है ईद पर, हमारा रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला है तो हमको बहुत सारे लोगों की दुआ चाहिए और ये ईद हमारे लिए बहुत स्पेशल रहने वाली है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और ये देख के अच्छा भी लग रहा है कि इतना सारा सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है, इतना सारा प्यार मिल रहा है। कुछ ट्वीट से एक दो ट्वीट्स थी जो मैंने रश्मि को भी बताया, शेयर किया। जो लोग हमें इतना प्यार करते हैं वो उनके दिल में जो होता है वो लिख देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो वो लोग हमें सजेशंस भी देते हैं कि आपको अगले डांस में कौन सा स्टेप करना चाहिए, आपको फिनाले में कौन सा स्टेप करना चाहिए। तो हमने अपने जो कुछ फैंस हैं उनसे पूछा है, उनके वीडियोस मंगवाए हैं, हमको बताएं कि हमें कौन सा स्टेप करना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि उनके स्टेप्स को हम अपने डांस में इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो मेरे ख्याल से सिर्फ उपेन करिश्मा ही नहीं, बाकी के जितने भी फाइनलिस्ट हैं, मयूरेश, अजीशा, दे ब्रिलियंट डांसर्स और खास करके मयूरेश और अजीशा, तो कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है। हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि ग्रैंड फिनाले आसान होने वाला है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है और सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, तो कंपटीशन हमें पता है बहुत जोरदार होने वाला है इस बार। टू मच का असर है, आवाज़ चली गई और
हम दोनों एक्चुअली मानते हैं कि हम दोनों ही बहुत टू मच रहे हैं इस नच के सफ़र में, क्योंकि हमारी जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है. बहुत उतार चढ़ाव देखे इस नच के सफर में. सो यस, वी सीन अ लॉट ऑफ टू मच ऑफ दिस. बहुत सारी प्रिपरेशन चल रही है इस फिनाले के लिए. अब तक हम लोगों ने शायद जितनी रिहर्सल की है, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग फिनाले की रिहर्सल कर रहे हैं, टाइम काफ़ी दे रहे हैं. तो कोशिश यही है कि जो अब तक हमने नहीं किया है उस मंच पर वो करके दिखाएं, तो कुछ डिफरेंट करके दिखाएंगे आप लोगों को फिनाले में. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.